रामनगर पुलिस की उदासीनता के चलते अपराध एवं अनैतिक कार्यों का अड्डा बन चुकी शहर की रामनगर मल्टी के युवा की लाश मिलने से सनसनी। खंडवा थाना कोतवाली के अंतर्गत रामनगर चौकी के पास मल्टी चिरा खदान के तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। लोगों ने शव को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचित किया। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से कई घाव होने के साथ साथ युवक को बेरहमी से मारा गया है। सूत्रों के मुताबिक मृतक की पत्नी ने ही जीजा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर मृतक जिसका नाम संजू पिता तुलसीराम बामने जो कि ब्लॉक नंबर 15 में अपराधी के साथ रहता था। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर सीएसपी ललित कटरे, कोतवाली TIBL मंडलोज व CFL अधिकारी डॉक्टर विकास मुजालदे व रामनगर चौकी प्रभारी सोलंकी एवं मोरेजी के साथ पुलिस दल के साथ पहुंचे। मृतक को पहले उसी के घर में मारकर बोरे में भरकर लाश को तालाब में फेंक दिया गया। महिला पहले तो कुछ लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही, लेकिन पुलिस तो महिला के आसपास की महिलाओं ने बताया कि आरोपी के घर में उसके जीजा लगभग सुबह 4 बजे बोरी में भरकर घर से निकले थे। पुलिस ने अपराधी एवं जीजा को सख्ती से पेश आने पर दोनों ने हत्या करना कबूल कर लिया है। कुछ दिनों से मल्टी की रामनगर पुलिस को अपराध और उसके अवैध गतिविधियों की शिकायत बार बार आने के बावजूद भी पुलिस के धूल मूल रवैये के कारण बदमाश गुंडों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कारण हत्या जैसे जघन्य अपराध होने भी लगे हैं। रामनगर पुलिस खास को चमत्कार और आम को नमस्कार वाली नीति से क्षेत्र में रहवासी परेशान है। खंडवा से कैमरामैन लोकेंद्र तिरोले के साथ जिला रिपोर्टर लोकेंद्र गंगराड़े की खास रिपोर्ट।